Hello everyone, in this video you will get to know how we can search record in a binary file. Okay, so here we will make one program. यहाँ पे हम एक program बनाएंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, import pickle, pickle module को import करना है. Okay, then next हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, binary file क्रिएट करते हैं, राइट. अगर ऑलरेडी बाइनरी फाइल प्रेजेंट है तो उसमें हमारा डेटा राइट हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगी. और क्रिएट कैसे होगी, तो यहाँ पे मैं पहले ले लेती हूँ एक अपना कमेंट. कमेंट के अंदर मैं ले लेती हूँ राइटिंग डेटा ऑन फाइल. ओके, दिस इज माई कमेंट, राइटिंग डेटा ऑन फाइल. ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया टू वेरिएबल, जिसको मैंने बना दिया है एम्प्टी डिक्शनरी. फाइन, इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जो भी डेटा मैं यूजर से इनपुट कराऊंगी वो मैं इस टू वेरिएबल के अंदर एज अ डिक्शनरी स्टोर करा दूंगी. फाइन, तो एफ इज माई फाइल हैंडल. एफ हमारा फाइल हैंडल है जिसके थ्रू हम करने जा रहे हैं अपनी फाइल को ओपन, राइट. मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया ए बी सी डी, ओके, डॉट डी ए टी. ओके, डेट जो एक्सटेंशन ली है वो किसकी होती, डेट एक्सटेंशन किसके लिए होती है, बाइनरी फाइल के लिए होती है. अब देखो, ए बी सी डी फाइल अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो जो भी डेटा मैं राइट कर रही हूँ वो उसमें जाके राइट हो जाएगा. ओके, और अगर ही फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो मैंने यहाँ पे लिया है अपेंडिंग मोड. ओके, मैंने यहाँ पे अपेंडिंग मोड में फाइल को ओपन किया है. तो अपेंडिंग मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी. ओके, इस नेम से फाइल क्रिएट हो जाएगी. फाइन, अब हमें क्या करना है, हमें यूजर से डेटा एंटर कराना है. तो मैं यहाँ पे कमेंट दे रही हूँ गेट डेटा टू राइट ऑन टू द फाइल. फाइन, ओके, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है आंसर, और जिसको हमने इनिशलाइज कर दिया विद द वैल्यू वाई. ओके, नाउ वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, वाइल आंसर, जब तक कि आंसर की वैल्यू क्या रहती है आपकी, वाई रहती है, तब तक आपका लूप चलता रहे. और लूप चलेगा तो आप यूजर से क्या एंटर कराएंगे, आप यूजर से एंटर कराएंगे रोल नंबर. ओके, इंट, इंट फंक्शन का इसलिए यूज किया है जिससे कि जो आपका, जो आप रोल नंबर इनपुट करा रहे हो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, तो यहाँ पे हमने कर दिया, प्रॉम्प्ट दे दिया एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर. फाइन, नेक्स्ट हम यूजर से एंटर कराएंगे नेम, जो आपका नेम वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा इनपुट. और नेम क्या स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको आपको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमने कोई भी और फंक्शन नहीं दिया है अलोंग विद इनपुट फंक्शन, ठीक है, नेम. ओके, नेक्स्ट हम इनपुट कराएंगे मार्क्स. मार्क्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोट में, जिससे कि हम डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकें. मार्क्स में अगर किसी के मान लो 2.5, 3.5 ऐसे मार्क्स आ रखे हैं तो हम उसको भी स्टोर कर सकते हैं. ओके, और यहाँ पे हमने कर लिया एंटर मार्क्स. फाइन, अब ये जो डेटा मैं यूजर से एंटर करा रही हूँ उसको मैं कहाँ पे जाके स्टोर करूंगी, उसको मैं अपनी एम्प्टी डिक्शनरी में जाके स्टोर करूंगी. ओके, तो देखो मैं कैसे स्टोर करूँगी, ये मेरी एम्प्टी डिक्शनरी है, इसके अंदर मैं की ले लेती हूँ, की मेरी हो गई रोल नंबर. फाइन, उसमें चला जाए मेरा किसका डेटा, आर नंबर का, जो मैं यूजर से रोल नंबर एंटर करा रही हूँ, ठीक है. फिर मैं इसकी की ले लेती हूँ नेम, इसके अंदर चला जाए मेरा नेम वाला डेटा. ओके, देन आपका है नेक्स्ट, आप दे दो मार्क्स. फाइन, और इसके अंदर आपका क्या चला जाएगा, मार्क्स वाला डेटा. फाइन, तो जो आपने यूजर से इनपुट कराया वो कहाँ चला, वो कहाँ पे स्टोर कर दिया, आपने डिक्शनरी में स्टोर कर दिया. अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरी जो ये डिक्शनरी है, फाइन, वो कहाँ पे जाके राइट हो जाए, वो जाके राइट हो जाए मेरी फाइल के अंदर. तो मैं यहाँ पे एक कमेंट दे रही हूँ, नाउ राइट इन टू द फाइल, दिस इज माई कमेंट. ओके, आप हैश लगा के भी दे सकते हो. अब मुझे क्या करना है, इसको राइट कराना है, तो मैं पिकल मॉड्यूल के डम फंक्शन का यहाँ पर यूज करूंगी, और इसके अंदर अपनी डिक्शनरी को पास कर दूंगी एंड फाइल हैंडल को पास कर दूंगी. फाइन, ओके,
मैंने क्या किया है, अपनी डिक्शनरी को पास कर दिया और अपने फाइल हैंडल को पास कर दिया, राइट. अब मैंने यहाँ पे लिया है आंसर. आंसर जो मेरा क्या था, वेरिएबल था जिसको मैंने इनिशलाइज किया था विद वाई. ओके, अब मैं आंसर में अपना प्रॉम्प्ट की वैल्यू डाल रही हूँ. क्या वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स. फाइन, क्या आप और रिकॉर्ड्स एंटर करना चाहते हो? तो आपका लूप कब तक चलेगा? जब तक कि आपकी आंसर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वाई है. जैसे ही आपने कोई और वैल्यू दे दी या एन दे दिया, हमने यहाँ पे एन स्पेसिफाई किया है, तो क्या होगा, आपका लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वहाँ पे लूप फिनिश हो जाएगा. फाइन, तो आपका आपकी फाइल जो है वो कहाँ तक आप का लूप चलेगा, जब तक कि उसकी वैल्यू क्या है, आंसर वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वाई है, राइट. अब मैंने क्या किया, अपने फाइल हैंडल को क्लोज कर दिया. फाइन, तो अभी हमने क्या किया, डेटा को राइट करवा लिया. ओके, अब मैं चाहती हूँ डेटा को रीड कराना, तो मैं यहाँ पे अपनी कमेंट दे देती हूँ, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल. सबसे पहले हमने फाइल को क्रिएट किया, उसमें डेटा को यूज़र से इनपुट लिया, उस इनपुट को हमने उस फाइल के अंदर राइट करवाया. अब हम चाहते हैं उसको पढ़ना, ठीक है, उसको रीड करना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपनी डिक्शनरी ली, एम्प्टी डिक्शनरी. फाइन, और देखो फाइल हैंडल आप सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो. आप सेम लेना चाहते हो सेम ले लो, डिफरेंट लेना चाहते हो आप डिफरेंट भी ले सकते हो. मैंने F1 ले लिया, लेट अस सपोज, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे किया ओपन, आप ऊपर से कॉपी भी कर सकते थे इसको, ABCD, ठीक है. अब मैं किस मोड में अपनी फाइल को ओपन करूँगी, अब मैं करूँगी रीड मोड में. तो मैंने यहाँ पे लिया RB, बिकॉज माई फाइल इज़ बाइनरी फाइल, तो हम लेंगे RB. ओके, अब देखो यहाँ पे जब आप रीड ऑपरेशन कर रहे हो तो क्या होता है, आपका एंड ऑफ फाइल आपका एक्सेप्शन आता है, ठीक है. एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आता है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ ऐसे करके. ओके, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आता है, तो उस एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन को, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन कब आता है, जब आपका लास्ट करेक्टर फाइल रीड करती है. ओके, आपका लास्ट करेक्टर रीड होता है फाइल का, वैसे ही एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आ जाता है. तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, रीड ऑपरेशन किसके अंदर करवाएंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर कराएंगे, ठीक है. हमने ट्राई के अंदर कर लिया, जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं स्टेटमेंट प्रिंट, डेटा रीड फ्रॉम फाइल इज. ओके, तो आपने ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया. अब कैसे डेटा आप रीड करोगे, यहाँ पे हम लूप चलाएंगे डेटा को रीड करने के लिए. ओके, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू मतलब जब तक कि डेटा है. ओके, जब तक कि वो एंड ऑफ द फाइल नहीं पहुँच जाता तब तक क्या हो, स्टू जो आपका क्या है, स्टू डिक्शनरी है. ओके, उसके अंदर आपने क्या दिया है, उसको किससे इनिशलाइज किया है आपने, पिकल डॉट LOAD लोड, ठीक है, लोड फंक्शन के अंदर आपने पास किया है F1, राइट. तो अब देखो पिकल डॉट लोड फंक्शन की हेल्प से, ठीक है, आपकी ABCD फाइल का डेटा रीड होगा, और रीड होके कहाँ जाके स्टोर होगा, स्टू वेरिएबल के अंदर. ओके, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी. फाइन, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट, अब हम अपनी डिक्शनरी को करा देते हैं प्रिंट, STU प्रिंट, ठीक है, आपने अपनी डिक्शनरी को करा दिया प्रिंट. ओके, नाउ अब हम कौन सा ब्लॉक लेते हैं, एक्सेप्ट, XCEPT एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक्सेप्ट ब्लॉक में आप दे दो एंड ऑफ फाइल एरर. फाइन, एंड ऑफ फाइल एरर NF1 डॉट क्लोज. ओके, तो आपने भी क्या किया है, राइट कराया है डेटा को एंड रीड कराया है. तो हम पहले इसको सेव कर लेते हैं, इसको हमने सेव किया, इसका नेम दे दो आप, जैसे L1 दे देते हैं हम इसका नेम,
L1, ओके नाउ अब इसको रन करेंगे हम लोग, फाइन। तो यहाँ पे रन रन मॉड्यूल, ओके रोल नंबर 1, तो मैंने 1 कर दिया। यहाँ पे एंटर नेम रोहन कर देते हैं, रोहन, और मार्क्स उसके 78 देते हैं, राइट, यस। वन मोर रिकॉर्ड, रोल नंबर 2, राइट, नेम आप दे दो, और यहाँ पे आपने नेम दे दिया रूपाली, ओके, एंड आपने मार्क्स दे दिए 90, ओके। वन मोर रिकॉर्ड, ओके, तो यहाँ पे हम देते हैं रोल नंबर 3, और नेम दे देते हैं हम अमित, ओके, एंड मार्क्स दे देते हैं हम 67, राइट। अब मैं क्या करूँगी, वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, नो कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपना फाइल का नेम करेक्ट नहीं दिया है, जिसको मैं करेक्ट करती हूँ अपने प्रोग्राम में जाके, ओके। यहाँ पे देखो abcd.det एक्सटेंशन हमने नहीं दिया है, कंट्रोल एस करते हैं, ओके, इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं, रन मॉड्यूल, फाइन। अब देखो 3 रिकॉर्ड्स तो मैं दे चुकी हूँ, एक फोर्थ रिकॉर्ड और दे देते हैं हम। यहाँ पे नेम दे दिया मैंने, यहाँ पे नेम दे दो आप नेहा, राइट, एंड मार्क्स दे दो आप 67, ओके, नो। अब देखो आपकी डिक्शनरी आ गई है, आपका डेटा रीड होके आ गया है, फाइन, ओके। आपने क्या किया, आपने डेटा को राइट करवाया है एंड रीड करवाया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हमें डेटा को सर्च करना है, फाइन। तो उसके लिए हम जाते हैं अपनी फाइल के ऊपर, डेटा को सर्च करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी कमेंट दे देती हूँ, नेक्स्ट कमेंट मेरी क्या है, सर्चिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, फाइन, सर्चिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, ओके। नाउ अगेन हम स्टू वेरिएबल ले रहे हैं, फाइन, ओके, ये देखो इसको हम इंडेंटेशन करेक्ट रखेंगे। स्टू वेरिएबल लिया है, ओके, ये क्या बना दी मैंने, एम्प्टी डिक्शनरी, फाइन। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ फाउंड, जिसको मैं दे रही हूँ वैल्यू फॉल्स, फाइन। अभी मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसकी फाउंड, जिसकी वैल्यू क्या दी है, फॉल्स है, ठीक है। फाइंड हैंड जो आपका फाइल हैंडल है, आप उसको सेम भी रख सकते हो, एफ भी रख सकते हो, और आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो लेट अस सपोज मैं इसको F2 कर देती हूँ, ओके, ओपन। अब ध्यान रखना है फाइल के साथ एक्सटेंशन जरूर लगानी है, जो हमने पहले मिस्टेक की थी, abcd.det, ओके, राइट। एंड कौन से मोड में आप इसको ओपन करोगे, आप इसको रीड मोड में ओपन करोगे, रीड करोगे तभी तो आप सर्च करोगे कि आपको कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। तो मैंने अपनी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है, राइट। अब मान लो मुझे सर्च डेटा, या हम इसको ले लेते हैं सर्च कीज, क्योंकि हम डिक्शनरी में से डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, मुझे रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 3 फाइंड आउट करना है, ओके, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 3, फाइन। तो मैंने अपने दो वैल्यूज यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ले लिए, रोल नंबर 1 एंड 3, फाइन। अब हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक में अपने डेटा को रीड कराएंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में, ओके। और रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसलिए, जिससे कि एंड ऑफ फाइल एरर ना आए, राइट। प्रिंट किया, प्रिंट में हम स्टेटमेंट दे देते हैं, सर्च डेटा इन फाइल, ओके, दिस इज माय स्टेटमेंट, सर्च डेटा इन फाइल, ओके। देन अब मैं यहाँ पे लूप चलाऊंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सर्च करना है एक पर्टिकुलर वैल्यू को, तो मुझे कंप्लीट फाइल के जो डेटा है उसको क्या करना पड़ेगा, आइट्रेट करना पड़ेगा, वन बाय वन जितने भी वैल्यूज हैं उनके पास जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया वाइल ट्रू, जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाती तब तक कि क्या हो, टू वेरिएबल के अंदर PICKLE पिकल डॉट LOAD लोड F2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करवाया है, अपनी फाइल को रीड करवाया है पिकल डॉट लोड फंक्शन की हेल्प से, और फाइल को रीड करवाने के बाद जो डेटा आया वो मैंने S2 के अंदर स्टोर करवा दिया है, फाइन, ओके। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाती हूँ, क्या इफ
to roll number. Roll number in search, s हमने क्या लिया था, s e a r c h, search keys. ओके, तो जो फाइल के अंदर जो रोल नंबर्स हमने लिए हैं, ठीक है, एज अ की, अगर क्या वो सर्च की के अंदर हैं, क्या वो रोल नंबर सर्च की के अंदर हैं, क्या नंबर वन और नंबर थ्री जो हमने सर्च की वेरिएबल में एज अ लिस्ट लिया है, क्या वो रोल नंबर जो आपने एज अ की लिया है स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर, क्या वो उसके अंदर प्रेजेंट है. ओके, इन इनके यूज़ किया हमने यहाँ पे, अगर हैं तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए वो वैल्यूज़, ठीक है, उसका डेटा, उन रोल नंबर्स का डेटा. ओके, और आपका फाउंड जो आपने वेरिएबल लिया था वो अब क्या हो जाए, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाए ट्रू. ओके, उसको आपने क्या किया था, उसको आपने लिया था फॉल्स. फाइन, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई ब्लॉक अपना कंप्लीट कर लिया है. अब हम एक्सेप्ट ब्लॉक को स्टार्ट करते हैं. एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर. ओके, एंड ऑफ फाइल एरर. ओके, इफ फाउंड इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स, डबल इक्वल्स टू लोगे फॉल्स, तो क्या हम यहाँ पे करें, अगर फाउंड की वैल्यू क्या है, फॉल्स के इक्वल है, मतलब हमें वो वैल्यू मिलती ही नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए हमारा नो सच रिकॉर्ड फाउंड इन द फाइल. ओके, नो सच रिकॉर्ड फाइल फाउंड इन द फाइल, और अगर ऐसा नहीं है तो हम else पार्ट में देते हैं, else print, else print search successful. ओके, फाइन, और इसके बाद हम कर देते हैं अपने फाइल हैंडल को क्लोज, f2.close. ओके, इसको सेव कर लेंगे एंड देन वी विल रन आर फाइल, रन आर प्रोग्राम. फाइन, तो देखो अब इसे पूछ रहा है, आपसे पूछे एंटर रोल नंबर, तो यहाँ पे आपने एंटर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग से चलेगा तो आपसे मांग रहा है पहले राइट करने के लिए, तो लेट अस सपोज मैं 5 दे देती हूँ, 5 एंटर नेम, नेम मैंने दे दिया यहाँ पे गीता, क्योंकि मेरा प्रोग्राम स्टार्टिंग से चल रहा है, ठीक है, मार्क्स दे दिए मैंने 90. फाइन, और रिकॉर्ड्स करने हैं, नो अब मुझे नहीं करने, तो आप देखो आपके पास ये जो है रीड होके आ गया पूरा डेटा, डेटा रीड फ्रॉम द फाइल दिस. फाइन, अब देखो सर्च, हमने सर्च क्या किया था, 1 और 3 को किया था, तो सर्च डेटा इन फाइल. ओके, तो आपका यहाँ पे देखो ये और ये 1 और 3 के रिकॉर्ड सर्च होके आ गए. ओके, आपने क्या किया है, 1 और 3 का रिकॉर्ड सर्च करके यहाँ पे ये क्या हो गया है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है. फाइन, और यहाँ पे एंड में लिखा हुआ गया सर्च सक्सेसफुल. ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल में से डेटा को सर्च कर सकते हो. ठीक है, अगर मान लो जैसे मैं एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे जो है मेरा इफ स्टूडेंट रोल नंबर इन सर्च की, मैं यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे देती हूँ मार्क्स, मार्क्स मैंने दे दिए marks, मार्क्स कि मेरे मार्क्स किससे ज़्यादा हों, मेरे मार्क्स हों लेट अस सपोज, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है अपनी स्टेटमेंट कि अगर मेरे मार्क्स क्या है 70 से ज़्यादा हैं, ओके, तो आपका वो रिकॉर्ड क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए. ओके, नाउ वी विल रन आर फाइल, इसको रन करते हैं. फाइन, एंटर, अब जितने आप एंटर कर चुके हो ये आपसे अगेन एंड अगेन जब भी आप रन करोगे तो क्या होगा, पहले आपका राइट होगा फिर रीड होगा क्योंकि सेम प्रोग्राम के अंदर है, देन आपका सर्च होगा. ओके, तो हम कुछ वैल्यूज इसमें पास कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया रोल नंबर 5 और नेम दे दिया मैंने यहाँ पे दीपा. ओके, एंड मार्क्स दे दिए मैंने 78. ओके, अब मुझे नहीं करना, ये देखो मेरा रीड होके आ गया है. ओके, रोल नंबर 1, 2, 3, देन आपने दिया 101, 102, दीज आर आपका रिकॉर्ड्स क्या हुआ है, रीड होके आगे हैं. ठीक है, अब देखो सर्च इन द फाइल, और फाइल में सर्च होने के बाद आपके पास जो रिकॉर्ड आया है 78, ठीक है, जहाँ पे मार्क्स क्या है 78 है, 90 है, अगेन 90 है, देन 78,
ओके तो आपका कौन से मार्क्स आए हैं जो 70 से अबव है, ओके देन आपका आ गया है सर्च सक्सेसफुली, राइट। तो इस प्रोग्राम में आपने क्या किया है, पहले डेटा को राइट कराया है, रीड कराया है, ओके देन आपने सर्च कराया है इन अ बाइनरी फाइल। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।